हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपको एक नया ट्यूटोरियल देने के लिए। आज फिर से हम एक पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। एक्चुअली आप सबसे पहली बात तो कि आप जो पेपर यूज़ करें वो थोड़ा अच्छा पेपर यूज़ करिएगा, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि ख़राब पेपर में वो आप जब उसको शेडिंग करने के लिए जब उसको आप रब करते हो तो वो अच्छा से वो फैलता नहीं, जिससे कि मतलब जो आपका टेक्सचर है वो थोड़ा सा ख़राब दिखने लगता है। जो मैंने पेपर यूज़ किया ये बहुत ही उम्दा पेपर नहीं है, बहुत ही अच्छा पेपर नहीं है, लेकिन ये मिडिल रेंज का पेपर है तो मैंने उसे यूज़ किया है, इसलिए उतनी भी अच्छी टेक्सचर इसमें नहीं आई है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो मैं एक चैलेंज के तौर पे इसे एक्सेप्ट किया था कि क्या मैं मतलब थोड़े ख़राब पेपर में भी अच्छा स्केच बना सकता हूँ या नहीं। इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया, तो ये बात हुई। लेकिन आप ऐसा मत करो, अगर आप बिगिनर हो तो आप एक अच्छा पेपर यूज़ कर लो जिससे कि आपको बनाने और शेडिंग में थोड़ा आसानी हो। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बताते आया हूँ कि जब भी आप किसी पोर्ट्रेट को बनाओ या बनाने का शुरुआती दौर में अगर आप उसे बना रहे हो तो सबसे पहला बात है कि आप उसकी आउटलाइन बना लो बहुत ही हल्के पेंसिल से, जैसे कि 4H, मतलब H में जितने भी पेंसिल्स हैं। B यूज़ मत करिएगा क्योंकि वो थोड़े गाढ़े होते हैं, थोड़े डार्क होते हैं। और मैं पहले ट्यूटोरियल में भी आपको बताते आया हूँ कि आप जब भी यूज़ करो तो मतलब डार्क ब्लेस के लिए तो आप कार्बन पेंसिल यूज़ करो, ये बहुत ही डार्क होते हैं जिससे कि आपको टेक्सचर बहुत ही अच्छा मिलता है। और दूसरी बात है, मैंने शेडिंग के लिए वही जो शेड हुआ है उसको शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए मैंने कॉटन का यूज़ किया है, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ये काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे आप ब्लेंडिंग स्टैम्प्स भी आते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं, अगर आपके घर के साइड में कोई अगर ऐसा शॉप हो तो वहाँ मिलता हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल लगता है कि मैं कॉटन से करूँ तो इसलिए मैंने कॉटन यूज़ किया है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी फेस का शेडो बनाएं तो ये बात ख्याल में रखें कि उसे मतलब बी पेंसिल से नहीं बनाएं, आप एच पेंसिल से बनाएं, जिससे कि क्या होगा, आप जहाँ पर कम चाहिए आप वहाँ हल्का करिए, हल्का प्रेस करिए, और जहाँ पर ज़्यादा आपको चाहिए आप उसके ऊपर डबल कोटिंग कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा ना कि वो बहुत ही अच्छा दिखता है। लेकिन अचानक से अगर आप उसमें गाढ़ा या बी पेंसिल का यूज़ करिएगा तो क्या होता है कि बहुत बार देखा गया है कि अब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जितना गाढ़ा कि वहाँ पर आवश्यकता नहीं रहती है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप जो वाइट पेपर मैंने अपने हाथ के नीचे यूज़ किया उसको यूज़ करिए ताकि आपका ड्राइंग गंदा ना हो, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हाथ में ऐसे ड्राइंग करते 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 वो पेंसिल्स के कुछ पार्ट्स लग जाते हैं हाथ में और फिर हम उसे दूसरी जगह रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो आपका जो टेक्स्चर है, जो मतलब जो क्लीन दिख रहा है आपका ड्राइंग वो नहीं दिखता है, तो उसमें थोड़ा सा ख़राबी आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी यूज़ करें तो आप जो बारीकियों का चीज़ है जहाँ पर आपको बारीकियाँ देनी है वहाँ पे आप 0.5 पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। 0.5 पेंसिल से यूज़ करने से ये होता है कि उसमें बहुत ही अच्छा आपका ये बारीकियाँ जो होती हैं वो बहुत ही डिटेलिंग, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात है कि देखिए जहाँ पर मुझे थोड़ा डार्क चाहिए वहाँ पर मैं कार्बन पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पर जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एच पेंसिल था, तो जहाँ पर मुझे हल्का शेड चाहिए मैं वहाँ पर एच पेंसिल का यूज़ करता हूँ, और जहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क चीज़ चाहिए वहाँ पर मैं कार्बन पेंसिल का यूज़ करता हूँ, तो बहुत ही ये अच्छा है। हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपन कार्बन पेंसिल जहाँ पर ऑनलाइन मिल पाएगी मैं उसका लिंक दे दूँगा, और जो जो पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, जिससे कि आपको ख़रीदने या ऑर्डर देने में आसानी हो जाएगी।
जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं ये अभी नया ट्यूटोरियल है, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। और इसी तरह मेरे चैनल से बने रहिए, जिससे कि मैं आपको अच्छे अच्छे ड्राइंग्स के टिप्स देता रहूं। और अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।